नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। खाक हो गया सब कुछ, आंखों के सामने धू धू कर जल गया सब कुछ, बर्बादी का जिम्मेदार कौन? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं नवादा में इस घटना के सामने आने के बाद। किस तरीके से रातों रात 80 घर जलकर खाक हो गए, अब बर्बादी का पूरा मंजर किस कदर रहा? आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है, इस तस्वीर को देखिए, रोते बिलखते इन औरतों को देखिए, इन महिलाओं को देखिए, इनके साथ जो छोटे बच्चे जमीन पर बैठे आपको नजर आ रहे हैं उनको देखिए और जरा सोचिए कि क्या बीती होगी इन मासूम बच्चों पर, क्या बीती होगी इन महिलाओं पर, क्या बीती होगी इन पुरुषों पर जिनके सामने रातों रात दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां दबंग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और रातों रात इनका आशियाना जलाकर खाक कर देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बदमाशों का तांडव सुशासन की सरकार में देखने को मिला है, जहां ना ही शासन का डर ना ही प्रशासन का कोई खौफ बदमाशों के अंदर नजर आया, दनादन पहुंचे और सीधे पूरे बस्ती को आग के हवाले कर दिया। नवादा में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कुछ बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर महादलित बस्ती में सीधे आग लगा दिया। आग लगते ही जितने भी लोग घर में मौजूद थे जान बचाकर बाहर निकले। सबसे पहले आपको महिला का बयान सुनाने जा रहे हैं, महिला का बयान सुनिए जो इस पूरे घटना पर बता रही हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। कहा कि जा मार देंगी सब के, निकलो ना तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो अभी गोली फायरिंग का तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से थी काटा में लुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर अपना। इस पूरे घटना का आरोपी नंदू पासवान बताया जा रहा है। बता दें कि ये जो मामला है वो भूमि विवाद का बताया जा रहा है। काफी दिनों से ये जो नंदू पासवान नाम का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो इस बस्ती में आया करता था और इन्हें धमकाया करता था। अब जैसा कि महिला ने बताया, पूरी वारदात बताई कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले से ही इन्हें धमकाया जा रहा था कि बस्ती छोड़कर चले जाओ वरना जला दिए जाओगे। इसके अलावा वहां के पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। कौन आग लगा? गांव में हुआ था कि हम लोग के पहले से नंदू पासवान हम लोग के धमका लिया था कि आप लोग के नहीं रह देंगे, नहीं देर तो नहीं रह देंगे, कखनो उजाड़ देंगे, कखनो आग लगा देंगे तो लगा देंगे। क्यों, क्या कारण क्या था, क्यों उजाड़ना चाह रहा था आप लोग? मैंने उसमें पहले से जमीन में विवाद चल रहा था, उसको हम लोग के बाप दादा साथ तू था पहले साथ हम लोग बाप दादा साथ, उसको भी जमीन उसमें उसको भी जमीन के पर्चा बना हुआ है उसमें रहा। ओकर बाद क्या हुआ कि मैंने उस विरोधी करके कि अपना दो चार गो गुंडा 10 गो ला के कोई बेलदार के कोई चौहान के। कौन है नंदू यादव, कहाँ के, किस गांव के? नंदू पासवान। किस गांव के? प्राणबिगा के। कई घर है इस इलाके में, कितने घर हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ 80 घर बसल थे। तो कितने घर को आग लगा दिया गया है? पूरे घर के आगे लग गया सर, पूरे घर को। मैंने दो चार को झोपड़ी बचा, देखिए सर आपको कहाँ है, देखिए अगल बगल। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका, नाम क्या हुआ? हमारा नाम है गोरेलाल रविदास, यही गाँव के है। हमारा सुरवे घर है, वहाँ जो जगह है जहाँ तो सुना आपने, पीड़ित परिवार ने दर्द बयां किया है। अब ये घटना सबको रुला रहा है, पीड़ित परिवार का दर्द अब बर्दाश्त के बाहर है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस मौके पर जुटी हुई है, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन मौके पर पुलिस है और बाकी जो आरोपी इस पूरे घटना में संलिप्त बताए जा रहे हैं उनकी भी तलाश जारी है। देखना होगा कि सभी आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। देखना ये भी होगा कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए पुलिस क्या कुछ करती है। नवादा से प्रतीक भान की रिपोर्ट देख रहे थे आप। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।